अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा रखे और सब बीमारों को शफा दे, और जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनको अल्लाह पाक हिदायत दे। ये फ्रेंड्स, रात मेहमान आए थे, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, तो कुछ रात के ये नान थे और मैंने आटा भी कर लिया था, सेट करने के लिए रख दिया था कि बच्चे अगर पराठा खाएं तो वो, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया था, तो ब्रेड और बस वो नान मैंने फ्राई किया था। तो नाश्ते की मैंने तैयारी की कि जो जो खाए तो नाश्ते का काम भी हो जाए, तो नाश्ते से शुरुआत में कर रही हूँ। वैसे तो मैं इनको दूध या कोई शेक वगैरह बना के देती हूँ, चाय नहीं, लेकिन अभी रात बारिश भी हुई थी और मौसम इतना ठंडा था तो मैंने कहा आज थोड़ी थोड़ी चाय पी लो, वरना मेरे बच्चों को चाय पीने की आदत नहीं है, ना ही वो पीते। चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता तो हमारा डन हो गया है, तो अभी बेटे के कॉलेज की ऑफ होने वाली है तो अभी चलते हैं उसको लेने। बेटी तो आज स्कूल गई नहीं थी इसीलिए हमने नाश्ता भी लेट किया था। अब बेटे की छुट्टी का टाइम हो गया है तो अभी चलते हैं। मैं 10 मिनट पहले ही निकल रही हूँ क्योंकि फिर ट्रैफिक भी हो जाती है, तो चलिए आप भी मेरे साथ। कॉलेज पहुंच चुकी हूं, अभी कॉलेज के बाहर में खड़ी हूं। जब छुट्टी और बाहर निकले, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम से पहले निकली थी 10-15 मिनट, इसलिए कि क्योंकि अक्सर ज़्यादातर ट्रैफिक मिलती है, लेकिन आज ऐसा हुआ कि आज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं थी और फिर बेटा आ गया था, तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं। घर वापस आई थी, मैंने सोचा था आज आपके साथ बहुत ही यम्मी एक पनीर की रेसिपी है वो शेयर करूँगी, लेकिन ना मैंने प्याज बॉईल करने के लिए रखे 4 मीडियम साइज़ के, तो मैं बैठ गई। कभी कराची में आजकल गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी गैस तेज़ हो रही कभी हल्की, हमें पता ही नहीं। हम बातें करने लग गए बैठे तो एकदम से स्मेल आई, जाके देखा तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर प्याज जल गए, तो मेरा मूड ऑफ हो गया था। फिर हस्बैंड ये देसी चिकन लाए हुए थे तो उन्होंने फिर मुझे कहा था कि ना इसका मुझे यखनी शोरबा बना कर देना, तो मैंने सोचा आज यही बना लूँ सिंपल सा। तो इसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि बस थोड़ा सा ये रेसिपी जो आज शेयर करनी थी वो नहीं कर सकी, तो बस मूड थोड़ा सा ऑफ था, तो बस वो मैंने बना लिया, बहुत ही यमी वो बना था। बस इसी तरह जल्दी से मेरा डिनर बन गया था। और ये जो मैंने देसी चिकन है ना, ये मैंने कुकर में नहीं बनाई है, मैं कोशिश करती हूँ बहुत कम चीज़ें कुकर में बनाऊँ, कुकर में भी बनाती हूँ जब जल्दी हो तो, लेकिन मैं जब टाइम हो तो फिर मैं वैसे ही कढ़ाई में या इस तरह ना मिट्टी के बर्तन में इस तरह बनाती हूँ, उसका टेस्ट अलग होता है। जब जल्दी हो तो फिर कुकर में भी बनाना पड़ता है। तो आप यकीन करें ये यखनी वाला शोरबा इतना मज़े का बना था कि बच्चों ने भी शौक से खाया, सब ने बहुत मज़े का बना था। फिर मैंने साथ ही जल्दी जल्दी चपातियाँ भी बना ली। पता नहीं क्या मसला हो रहा है, पहले तो कभी भी गैस नहीं जाता था, अब कभी चला भी जाता है और कभी स्लो हो जाता है। तो फिर आज मैंने वो जो मैं लाइट से रोटी फ्राई करती हूँ वो मैंने नहीं की थी, कभी मैं वो करती हूँ कभी ये मैं होममेड मक्खन लगाती हूँ, बहुत गर्म रोटियाँ थी। तो ये देखें ये घर का बना हुआ है, ये मलाई लाकर ना तो उससे घर में ही मक्खन तैयार किया जाता है, तो वो मैं कर लेती। मैंने शुरू से इन लोगों को आदत डाली है बच्चों को कि मैं या तो हल्की सी फ्राई कर देती हूँ रोटी या फिर मक्खन लगा देती हूँ, तो उससे रोटी ज़रा नरम हो जाती है, क्योंकि ये खालिस गंदम का आटा तो होता नहीं है, मिक्स वाला होता है, तो इससे ज़रा रोटी नरम भी रहती है और सेट भी रहती है, हेल्थ के लिए भी सही है। ये देखिए ये मेरी रोटियाँ भी रेडी हो गई और ये है फाइनल लुक, और बहुत यमी था। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास टाइम था
सब लोग टीवी देख रहे थे, थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, मेरे ड्रेसिंग के नीचे जो ये स्टोरेज है तो इसमें मैंने जो आम यूज़ होने वाली बेडशीट्स है ना और कोई इस तरह की चादर है तो वो मैंने रखी है, बाकी जो न्यू वगैरह है वो तो कबर्ड में पूरा एक पोर्शन है उसमें ये सारी चीज़ें, तो ये रोज़ाना जो यूज़ होती हैं चीज़ें ये वो हैं, तो वो मैंने यहाँ रखी हुई थी, वो भी ऊपर नीचे हुई हुई थी, तो मैंने कहा आज मेरे पास टाइम है चलो इन्हीं को ही मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँ। कुछ सोफ़ों के कुशन थे, कुछ बेडशीटें थी, कुछ वैसे कपड़े थे, तो मैंने कहा आज करूँ, रोज़ सोच रही थी करूँगी तो कर नहीं पा रही थी, टाइम इतना नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा आज कर ही लूँ। बस रहे हुए काम, जब थोड़ा अपने कामों से फुर्सत मिलती है तो फिर मैं इसी तरह कोई ना कोई काम लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं सब लोग टीवी देख रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखती, हाँ न्यूज़ बहुत शौक से सुनती हूँ बस, और इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखती, मोबाइल भी बस ये बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही यूज़ करती हूँ, तो बस मैंने कहा ये वाला काम कर लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं बच्चे कब सोते, क्योंकि आज हमारा खाना भी ना थोड़ा जल्दी ही रेडी हो गया था, फिर सब लोग खा कर कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, और ये हम कहीं गए थे तो ये हमें ना एक सूट, बहुत खूबसूरत ये कपड़ा है तो ये गिफ्ट मिला था, सबको ही मिले थे, लेकिन ये पता नहीं गाड़ी की डिग्गी में ना सैनिटाइज़र की बोतल बड़ी रखी हुई थी, जब कोरोना आया था तब से मतलब मैं रखती हूँ तो वो रखी हुई थी, पता नहीं कैसे वो बोतल इसके ऊपर गिरी है और सैनिटाइज़र निकला और सारा यहाँ से ना इसका कलर डैमेज हो गया था, तो वही मैं अपने बेटे को बता रही थी कि इसका ना कलर थोड़ा डैमेज हो गया है, तो मैंने ये इसीलिए कपड़ा रख लिया था कि कहीं भी रफली यूज़ होने के काम आ सकता है, और ये मेरे एक्स्ट्रा पिलोज़ हैं कि जो रोज़ाना बच्चे यूज़ करते हैं पिलो, उसके कवर उतार के धोने के लिए डाल देते हैं और दूसरे जो पड़े होते हैं तो उनको फिर मैं इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, तो सभी उल्टे सीधे हुए हुए थे तो मैंने सोचा इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, अभी देखें कितनी अच्छी तरह ये कबर्ड भी ऑर्गेनाइज़ हो गई और अच्छी लग रही है। बस इसी तरह होता है, कभी हर चीज़ सेट रहती है और कभी हम ही लोगों से ये थोड़ी सी मैसी हो जाती है, जल्दी जल्दी में रखते हैं तो जब फिर सेट करें तो वही जगह इतनी प्यारी लगने लग जाती है, ये देखें थोड़ा सा लगा टाइम, 10 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन कितनी अच्छी है मेरी स्टोरेज वाली जगह, कितनी अच्छी लग रही है।